हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ सर, तो मैं राघवेंद्र हूँ। आई वर्क फॉर हिंदुस्तान लीवर फॉर 27 ईयर्स। मैं सभी ऑल इंडिया घूम चुका हूँ। उसके बाद आई हैव डन माय वेलनेस कोर्स इन फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट, और आई एम आल्सो ए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम स्पेशलिस्ट। तो ये सब सीखना इसलिए पड़ा कि आई लॉस्ट माई पेरेंट्स इन ए सिंगल डे। वो थोड़ा भारी पड़ गया था मुझे, तो ये सब मैंने सोचा अभी कुछ जिंदगी में कुछ करना चाहिए। तो आई लर्नड ऑल दीज थिंग्स, तो नाउ आई एम मैं वेलनेस कोच। बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हैं। हमारे बड़ा बड़ा कम्युनिटी भी है, ह्यूज कम्युनिटी भी है। तो हम कम्युनिटी कॉल करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। कोई भी हेल्थ चैलेंजेस के लिए वी हेल्प देम, एंड वी हैव बीन एबल टू सक्सेस। एक 80 साल की लेडी थी जिन्होंने आशा ही छोड़ दिया था, लेकिन उसको ठीक हो गया। और वैसे ही एक सीपी चाइल्ड है, उसको भी अच्छा हो रहा है। एंड वेट लॉस वेट गेन तो आराम से होता है, तो किसी को भी हम कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट बाय हाथ का खेल है, समझ लीजिए। तो ये है, एंड पर्सनली गिविंग मी ए ग्रेट सेटिस्फेक्शन, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 30-35 साल काम किया हूँ मैं टोटल। तो उसके वजह से ये अलग है, वो अलग है, लेकिन ये जो खुशी मिलती है वो अलग चीज़। लोगों को हेल्प करके, लोगों को जब दुआई मिलता है, तो बोलते हैं ना, जो कमाता है वो दुआई मिलता है कि नहीं मिलता, गारंटी नहीं है, लेकिन जो दुआई कमाता है उसको कमाई मिल ही जाता है। तो ये बिलीफ मेरा है। तो मैं फैमिली इधर ही है, दोनों बच्चे सेटल्ड है, इंजीनियर से। तो मैं बेंगलुरु में ही हूँ, तो मेरा घर के नज़दीक ही ये ऑफिस बनाया हूँ। तो आई एम सिटिंग हियर एंड ऑपरेटिंग। ऑलमोस्ट सुबह मैं 4:30-5 बजे इधर आ जाता हूँ, 5 बजे से शाम तक। लेकिन 5 बजे सुबह हमारा ट्रेनिंग मेडिटेशन ये सब होता है, तो बाद में ये करता हूँ। आपको इंट्रोड्यूस, बताइए आपका क्या हेल्प चाहिए हमसे, क्या मैं सेवा कर सकता हूँ। मैं संजय महापात्र हूँ, राउरकेला उड़ीसा से। मैं हाँ जी, संजय महापात्र हूँ, राउरकेला उड़ीसा। मैं यहाँ जो स्टील प्लांट है ना, सेल का, हाँ, उसमें एम्प्लॉय हूँ। ऐसा अच्छा, यू आर वर्किंग, ओके। तो कुछ ज्यादा मतलब हेल्थ चैलेंजेस नहीं है, मेरा वेट अभी 70 kg है, हाइट 5 फुट 5 इंच है। हाइट कितना है? हाइट 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 5 इंच, ठीक है, ज्यादा नहीं है। मैं ज्यादा 1.5-6 kg का। नहीं है, वेट भी ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी 3 4 5 महीना हो गया, मैं फील कर रहा हूँ कि इरिगेशन थोड़ा बड़ा हुआ है। अच्छा, टेस्ट किया तो 7.5 आया, कितना है? 7.5। अच्छा, तो बहुत ज्यादा है। हाँ तो 6.5 से नीचे रहना चाहिए। हाँ 6 6 के नीचे रहना बेस्ट है। फाइव हाँ 5.5 एवरेज लेना बेस्ट है। तो 7.5 इज हायर साइड। तो हाँ ये जनरली शुगर का मेजर चीज जो है सर, वेट अगर बढ़ता जाएगा वो भी प्रॉब्लम है, वेट गिरता जाएगा वो भी प्रॉब्लम है। माने आइडियल वेट से नीचे भी जाना चाहिए, ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, ये एक चीज है। और डायबिटीज का और एक प्रॉब्लम है कि मेरा डायबिटीज नहीं है सर, हाँ, यूरिक एसिड है, यूरिक यूरिक एसिड। एसिड है। अच्छा, यूरिक एसिड, ओके ओके। हाँ, डायबिटीज सर नॉर्मल है। अभी हाँ हाल में, अभी लास्ट महीना टेस्ट किया था, मैं हाँ फास्टिंग 98 आ रहा था। 98 है, ओके। देन फास्टिंग 98 तो ठीक ही है, नॉट ए बिग थिंग। तो लेकिन यूरिक एसिड के लिए आपको ये क्या किया अभी तक आपने? अभी वो आयुर्वेदिक का एक कोर्स किया हूँ, हाँ 3 महीने में। हाँ उस कोर्स करने के बाद तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन फील हो रहा है कि कुछ तो कम हो गया हूँ, क्योंकि कुछ कम हुआ है, ओके। ये जो किया ना, ये सब दर्द हो रहा था, तो हाँ ऐसे 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 करने से ये मतलब दुखता था। अभी हाँ अभी अभी वो बहुत कम है, थोड़ा नेग्लिजिबल है, तो ओ
वो फीलिंग आ रहा है कि तुम थोड़ा सा कुछ कम कर दे पा। ओके ओके बाकी आपको आपका जो फेसबुक में जो आपका जो ऐड देखा तो हाँ लाइफस्टाइल के बारे में तो करेक्ट आपको इंटरेस्ट हुआ कि ठीक है सर से सुन लेते हैं कैसे कैसे जरूर सर। क्या खाना खाना चाहिए, क्या हाँ रिटर्न कैसे करना चाहिए। हाँ तो आप वो एक काम कर सकते हैं, हम हमारा एक तो अगर सुबह 7:30 से 8:30 थोड़ा टाइम मिलता है आपको, जैसे घर से ही, ऐसा नहीं है कि आपको घर से जाना नहीं पड़ेगा, हमारा क्लास चलता है वहाँ बहुत सारा साढ़े सात कोई बजे 7:30 से 8:30। एक्चुअली सर 7:30 बजे मैं पार्क जाता हूँ, वहाँ जाके थोड़ा खेलता हूँ। नहीं वॉकिंग करते हैं। नहीं खेलता हूँ वो वॉलीबॉल खेलता हूँ अच्छा, लेकिन आप सुन बच्चों के सकते हैं साथ। ना मोबाइल में? नहीं दूसरा क्लास नहीं होता है क्या? नहीं, दूसरा टाइमिंग्स नहीं है, क्लब में आना है तो सुबह ही आना पड़ेगा। अगर साढ़े क्लब सात नहीं, बजे हाँ जी, अच्छा। अगर क्लब नहीं है तो पर्सनल कोचिंग करना पड़ेगा, जैसे अभी आए हैं, जब जब टाइम मिले आप सीख सकते हैं और मैं सिखा सकता हूँ जैसे, तो वो अलग चीज़ है। जो कॉमन हमारा कम्युनिटी में करते हैं, हम उसमें चार्ज कुछ नहीं करते, सिर्फ प्रोडक्ट चार्ज करते हैं और कुछ नहीं करते, वहाँ सब कुछ फ्री देते हैं। लेकिन पर्सनल कोचिंग में फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर आपको खर्चा होगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ। आपका इच्छा जैसे भी हो, लेकिन मेरा कहना क्लास में आना इसलिए बेहतर है क्योंकि सिर्फ आप ही का नहीं, बहुत सारा रिजल्ट्स मिलेगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका जो प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और आपको वेजिटेबल शायद बहुत कम खाते होंगे। नहीं वेजिटेबल तो मैं खाता हूँ लेकिन हाँ फिर भी मतलब कुछ तो क्योंकि ऐसा भी नहीं कि नॉन वेज भी बहुत ज्यादा खाता हूँ, हाँ वो बालांस है खाना के लिए फिर हाँ वही, ये भी। सब आपको ना पूरा हमको डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं मेरा लाइफस्टाइल मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा ड्यूटी जो है वो रनिंग शिफ्ट है, मतलब ए बी सी शिफ्ट है, ओके तो मेरा जो खाने का शेड्यूल वो ठीक नहीं रहता। अच्छा, आपका कैसे, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या प्रोग्राम है आपका डेली? डेली 12 बजे जो रनिंग ड्यूटी है ना ए बी हाँ सी शिफ्ट, ए शिफ्ट है तो हमको 4:30 बजे उठना पड़ता ओके ठीक है, और बी शिफ्ट है तो 2 बजे ड्यूटी है, मतलब हम 6:30 बजे उठते हैं और फ्रेश होकर 7:30 बजे जाते हैं पार्क, और सी शिफ्ट है तो पूरा रात भर तो ड्यूटी में करना पड़ता। मैंने 7:30 से 8:30 ट्रैवल करते हैं आप? कौन सा 7:30 से 8:30 क्या करते, ट्रैवल करते रहते हैं या जॉब कर किया होता है जॉब? 7:30 से 8:30 सुबह हाँ वही पार्क जाते हैं ना खेलने के लिए, पार्क पार्क जाते हैं वो फिटनेस पार्क होता है ना हम लोग का समझ गए यहाँ। समझ गए, फिटनेस पार्क होता है जो पार्क में जाते हैं ना। हाँ लेकिन आप अगर उस टाइम में कुछ कुछ दिन के लिए ट्राई नहीं कर सकते, क्लास अटेंड करना फिर खेलना, या थोड़ा सुनने के बाद खेलते खेलते सुनना, या ऐसा कुछ कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि 2-3 दिन पहले स्ट्रिक्ट कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। एक काम कीजिए, मैं कल हमारा कल 9:45 बजे संडे हैप्पी टू हेल्प करके कॉल होता है, ठीक है? वो हैप्पी टू जैसे अभी है, लेकिन वहाँ कम से कम 40-50 लोगों के ऊपर रहेगा, और जो भी नए लोग हैं उसको इनवाइट करते हैं, ठीक है? उसमें आपको हम क्या क्या करते हैं आपको पता चलता है। लोग ज्यादा से ज्यादा वेट लॉस, वेट गेन और डायबिटीज, ये सब के लिए ही होता है, जो भी उनका प्रॉब्लम है बताते हैं। फिर मंडे ट्यूसडे 2 दिन ना आप थोड़ा स्ट्रिक्टली सुबह 7:30 से 8:30 तक रही, ठीक कम है से कम कोशिश आधा करेंगे। पौन घंटा, तो उसमें हमारा सीनियर कोच भी रहेगा, गाइडेंस भी मिलेगा आपको, मैं भी रहूंगा, और आपको मैं पर्सनल कोच रहूंगा, और वो जनरल सबके लिए होगा, ठीक है, प्रिंसिपल जैसा। तो 2 दिन आप करके 1 महीना आप ट्राई करके देखो, हमारा मेंबरशिप लेके 1 महीना करके देखो, आपको अगर पहले तो 2 दिन फ्री आ जाओ क्लास सुनो, ठीक है? उसे तो वो लिंक के लिए हम चार्ज नहीं करते, तो वो करने 2 दिन के बाद दिन आप डिसाइड करो,
आपको अच्छा लगे नहीं, 1 महीना करके देखना है करके। जैसे हम सिर्फ बॉडी या सिर्फ एसिडिटी या इसके लिए नहीं, हम पूरा लाइफ चेंज करने का कोशिश करते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे आपका पानी का प्रॉब्लम, पानी कैसे पीना है, तो आपको ऐसे ही पानी पीने को नहीं होता है। बैंगलोर में तो ठंड होते हैं, बोलते हैं 3 लीटर पानी पियो, कहाँ से पी पाएगा 3 लीटर? तो लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी हम सिखाते हैं। मैंने आप पीने के लिए मजबूर होते हैं, हम पीते हैं, तो वो सब हम आपको सिखाते हैं। एक तो क्लास में जनरल नॉलेज और मेंटल नॉलेज और फिजिकल नॉलेज सभी मिलता है। फिर आपको मेंबरशिप लेने के बाद, प्रोडक्ट मिलने के बाद, 5 दिन के बाद फिर हम ऐसे बात करते हैं आपको कैसे करना है। फिर अपना पर्सनल डाइटिंग चार्ट आपके टाइमिंग के हिसाब से करते हैं। आप वेज है तो वेज, नॉन वेज तो नॉन वेज, वो क्या खाना नहीं खाना, वो सब आपको टाइम टेबल बना के देते हैं। तो 1 महीना आप करके देख लीजिए कैसे होता है ना। तो कल मैं 9:30 का एक भेजता हूँ, ठीक है, एक लिंक भेजता हूँ, वो जनरल है, उससे ज्यादा। 10:30 बजे ना हाँ जी सर, कल वेबिनार, कितना बजे है? 10:30 बजे, 9:45, 9:45। 9:45 वो 10 बजे शुरू होता है, क्योंकि अच्छा लोग ठीक आते रहते हैं, उसका नाम पूछते रहते हैं, सब होता है। मैंने आप कैमरा ओपन करके आपका नाम पूछा जाएगा, फिर कौन बुलाया बोलेगा, रागन बुलाया, फिर क्या है, वेट ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा यूरिक एसिड का वगैरह हेल्थ चैलेंजेस है, इसके लिए आया हूँ करके बोलिए, तो सुनिए करके बोलेगा, और ज्यादा कुछ इंटरेक्शन नहीं होगा कल। लेकिन परसों सुबह जो है एकदम आप हैंड रेस किया तो सुबह सुबह पहले आपसे बात हो जाएगी, तो आपको क्या करना है नहीं करना, ठीक है? तो उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे 3 दिन के बाद, ठीक ठीक है सर? थैंक यू वेरी ओके। मच।